मित्रों शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको हिंदुस्तानी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना मुबारकबाद। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा देश कांग्रेस और यूपीए सरकार के भ्रष्टाचारी सिंहासन से त्रस्त है और इस भ्रष्टाचारी सिंहासन को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में आक्रोश और गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, काले धन, महंगाई के तमाम मुद्दों को लेकर के कल यानी 6 अप्रैल से पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन संघर्ष शुरू करने जा रही है। इस जन संघर्ष के तहत पार्टी देश के सभी जिलों में जन जागरण यात्राएं, भ्रष्टाचार विरोधी मैराथन और रैलियों के माध्यम से आम लोगों तक केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार फ्रेंडली नीति और भ्रष्टाचारियों को बचाने की केंद्र सरकार की मुहिम का पर्दाफाश करेगी। जहां हम गांव में, कस्बों में और चौपालों और पंचायतों पर जन जागरण यात्राएं और रैलियां करेंगे, वहीं नगर के क्षेत्रों में हम भ्रष्टाचार विरोधी मैराथन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम से हम घर घर तक पहुंचकर, घर घर तक हमारे कार्यकर्ता दस्तक दे करके प्रत्येक घर से एक व्यक्ति इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जन संघर्ष में भागीदार बने, इसके लिए लोगों से अनुरोध करेंगे। हम इस अभियान को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक के भी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। आम आदमी पर है भारी सिंहासन ये भ्रष्टाचारी, आम आदमी पर है ये भारी सिंहासन ये भ्रष्टाचारी नाम का ये नुक्कड़ नाटक अलग अलग टोलियों में देश की विभिन्न स्थानीय भाषाओं में अलग अलग जगहों पर होगा, जिसका कि अभी छोटा सा एक क्या कहेंगे ट्रेलर मंचन आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने इस जन संघर्ष अभियान के तहत भ्रष्टाचार गीतमाला के कैसेट भी बनाए हैं, सीडीज भी बनाई हैं, जो कि आपको भी कुछ अभी सीडी देखने को मिलेगी। उस सीडी में कांग्रेस और यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खलनायकों की सारी तस्वीर आपको बहुत साफ समझ में आएगी और सुनाई पड़ेगी। कल 6 अप्रैल को दिल्ली प्रदेश में इस जन संघर्ष अभियान के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी शामिल होंगे और इसके अतिरिक्त देश भर में कल से सभी जिलों में, सभी तहसीलों पे, सभी चौक चौराहों, चौपालों, मोहल्लों, गलियों में प्रभावी और आक्रामक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और कल ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है भ्रष्टाचार के कांग्रेसी सिंहासन को खाली करने का शंखनाद भी कल ही के दिन किया था। वो एक महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी
इस कार्यक्रम को कल से, जो जन संघर्ष अभियान है इसका पहला चरण कल से शुरू कर रही है। लगभग ये 70 दिनों तक ये पहला चरण हमारा जन संघर्ष अभियान का चलेगा, जिसमें कि पार्टी के सभी केंद्रीय नेता, प्रदेश के नेता, सांसद, विधायक, ये सभी लोग इसमें भाग लेंगे। मित्रों, आपके प्रश्न से पहले एक और विषय है जिसे आपके बीच में रखना जरूरी है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं, और इन 5 राज्यों में भ्रष्टाचार भयंकर मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को दिया जा रहा संरक्षण हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में, और विशेष तौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने इन 5 राज्यों में सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में, चुनाव के प्रचार, चुनाव के अभियान में काम करने के लिए कहा है, और लोग कर रहे हैं। असम में पहले चरण का मतदान हो चुका है, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो अभी पहले चरण का हुआ है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स के अनुमान हैं, और भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार भी बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र सशक्त और प्रभावी विकल्प के रूप में असम में उभरी है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव जीती थी और लगभग 13% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था। केरल में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और हम बहुत अच्छे और बहुत प्रभावी ढंग से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी हमको लगभग 6% से ज़्यादा वोट मिला था। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी राज्यों में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर जोशी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, V.S. येदुरप्पा जी सहित सभी वरिष्ठ नेता इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान में शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी ने जो व्यवस्था की दृष्टि से भी तमाम पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों में चुनाव के प्रबंधन, चुनाव के समन्वय के काम में भी लगाया है। सुषमा जी पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरला का की बागडोर संभाल रही हैं, वहीं अरुण जेटली जी असम और पश्चिम बंगाल की बागडोर संभाल रहे हैं। हमारे संगठन मंत्री श्री रामलाल जी असम और पश्चिम बंगाल में लगातार संगठनात्मक तालमेल और चुनाव अब कांग्रेस के दौर में यही सब होगा। रामलाल जी असम और पश्चिम बंगाल में सभी क्षेत्रों में अभी बाद में हो गई है। विजय गोयल जी जो हमारे प्रभारी हैं वो लगातार 1.5 महीनों से उस पूरे के पूरे असम क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और चुनाव अभियान में शामिल हैं। उनके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जी, JP नड्डा जी, श्रीमती किरण महेश्वरी जी असम में डेरा डाले हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चुनाव का संचालन और प्रबंधन में काम में हैं। केरल तमिलनाडु में राष्ट्रीय मंत्री हमारे हैं मुरलीधर राव जी, वो पूरी समय वहाँ पर चुनाव प्रबंधन और चुनाव समन्वय और संगठनात्मक समन्वय का काम कर रहे हैं। पांडिचेरी में डॉक्टर लक्ष्मण जी को पार्टी अध्यक्ष ने जिम्मेदारी दी है कि वहाँ वो पूरे समय रह करके चुनाव के अभियान की बागडोर संभालें। पश्चिम बंगाल में विनय कटियार जी, चंदन मित्रा जी, सिद्धार्थ सिंह जी पूरे समय चुनाव प्रबंधन और संचालन का काम में लगे हुए हैं।
और आज ही पश्चिम बंगाल में श्री अनंत कुमार जी चुनाव घोषणा पत्र का भी को भी आज जारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था भी है यहाँ पर, जिसमें कि अपने किरीट सुमैया जी, भूपेंद्र यादव जी, श्याम जाजू जी और हमारे रामाकृष्णा जी, बाबा पाटिल, शेखर शर्मा, राजीव अग्रवाल जी, नवीन सिन्हा जी, राजन खोसला जी इस काम में लगातार काम कर रहे हैं। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन तमाम चुनावों को बहुत गंभीरता के साथ, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों के प्रतिशत में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करे, सीटों में बढ़ोतरी करे, इस दृष्टि से इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रवक्ताओं को भी वहाँ लगाया गया है, जो कि केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम जो होंगे उनके कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन करेंगे। श्रीमती निरुपमा निर्मला सीतारमन जी तमिलनाडु में, राजीव प्रताप रूढ़ी जी केरल में और शहनवाज साहब असम में, ये नेताओं के जो दौरे होंगे उनमें मीडिया का कोऑर्डिनेशन का काम भी ये लोग देखेंगे।